मैं यहाँ दिल्ली में 20 साल से रहता हूँ, ऑटो चलाने में 15 साल हो गए मेरे को चलाते हुए। सवारी को जहाँ से भी पिकअप करता हूँ सही जगह पे छोड़ना हूँ, दिन हो या रात हो महिलाओं के लिए मना नहीं करता। मैं दिल्ली में 25 साल से रह रहा हूँ, मैं जागरपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे को 10 साल के करीब हो गए हैं और मैं कमर्शियल लाइसेंस बैच यहाँ से मैंने दिया अपनी क्लासे की, और ये मानस फाउंडेशन की क्लासे भी अटेंड करी मैंने। लाइन में आए तो रोड पे निकली मैं, मैंने जब कमाना सीखा तो मुझे लगा कि हाँ ये लाइन बहुत अच्छी है, और महिला जब ऑटो चलाती है तो अन्य महिलाओं को बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ चलो कम से कम इसके अंदर इतनी फुर्ति तो है जो अपना घर अच्छे से चला सकती है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, राजधानी होने के साथ साथ जो इसकी छवि में कुछ बदलाव आया उसमें क्राइम कैपिटल या रेप कैपिटल के नाम से भी जाना जाने लगा है। इस मुहिम को अथॉरिटी, दिल्ली अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, IGL और मनस फाउंडेशन शुरुआत करके 4 सालों से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि हम ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर और बस ड्राइवर्स के साथ जो कमर्शियल ड्राइवर हैं उनके साथ हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। से 1,85,000 ऑटो ड्राइवर्स को हम लोगों ने सशक्त किया है। इसके साथ साथ 26,000 जो बस ड्राइवर्स हैं उनके साथ भी ट्रेनिंग्स लिए हैं, और उसके साथ 76,000 जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं हमारी ट्रेनिंग्स में आए हैं और उनके साथ भी बातचीत की है। हम ऑटो ड्राइवर ट्रेनिंग की क्लास लेके हमें काफ़ी बेनिफिट मिला और काफ़ी चेंजिंग आई ड्राइवरों में। चेंजिंग आने के बाद हमें पता चला हमें माँ बहन का अपना किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, और रोड पे हमें किस ढंग से चलना चाहिए। ट्रेनिंग तो हमारे ड्राइविंग के बारे में थी, लेकिन हमें वो सबसे बढ़िया महिलाएँ को उसके सुरक्षा के बारे में वो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे महिलाओं के लिए के बारे में बताया गया, ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया, और यहाँ की ट्रेनिंग का जो समझाया गया वो हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के बारे में हमें किस तरह सम्मान करना चाहिए चीज़ों के बारे में बताया, और यहाँ के नियम कानून समझाए गए। और आपकी यहाँ पर दी गई ट्रेनिंग मेरे को अच्छी लगी है, और हमारी जिम्मेदारी अगर हमारे ऑटो में कोई महिला पैसेंजर बैठी है तो हमारी जिम्मेदारी हम उसको अपनी जिम्मेदारी को उसके घर तक सही सलामत पहुँचाएँ। एक हमारे ड्राइवर थे जिनका नाम हेमराज है, जो हमने सेशन में बताए थे वो सारे बातें वो जाके अपने घर में भी बताए, अपनी बेटी को भी बताए, अपने वाइफ को भी बताए, और वो ये कह रहे थे कि मैं पहले से भी कर रहा था लेकिन मुझे इस सेशन में आके कुछ नया चीज़ें सीखने को मिला, उसी नया चीज़ों को मैं अपनी बेटी तक और अपनी वाइफ तक भी पहुँचाया हूँ। मुझे ये क्लास में जो मुझे प्रेरणा मिली है महिलाओं के लिए सम्मान, महिलाओं के लिए वो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली जी। मैं अपनी बेटियों को भी बाप के नाते मैं अपनी आस पड़ोस में भी और हर जगह मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जागरूकता आना चाहिए हर इंसान को दिन में, और हर आदमी को ये चीज़ करना चाहिए। हम पहले बहुत दारू पीते थे, बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे, अब इस लाइन में जब से जुड़ा हूँ मैंने दारू छोड़ दिए, धीरे धीरे कम करके दारू छोड़ दिए, बच्चों पे ध्यान देता हूँ, घर में ध्यान देता हूँ, कमाने पे ध्यान देता हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद मेरे को ये बेनिफिट हुआ है, मैं पहले अपने घर के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, खास करके अपने बच्चों के लिए, मैं अपना जॉब वर्क करके अपना घूमने निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं बहुत डिसिप्लिन से चल रहा हूँ, सुबह बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, खासकर अपनी बेटी की चिंता मेरे को ज़्यादा है। हमारा कहना ये है कि हर महिला रोड पर निकले, हर महिला रोड पर जब निकलेगी तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, और अन्य महिलाओं की भी सबसे ज़्यादा एक आत्म मतलब शक्ति बढ़ेगी कि हम भी कुछ करें और आगे बढ़ें। ट्रेनिंग को ट्रेनिंग फ्लोर से कम्युनिटी लेवल तक और इंडिविजुअल लेवल तक आगे ले जाने के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिए थे इसी साल। सेफ गाड़ी के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं,
लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के जितने भी ड्राइवर्स हैं, कमर्शियल ड्राइवर हैं, सभी उसी ऐप में जुड़े रहें और जेंडर इक्वालिटी की जो बातें हैं उसी के थ्रू हम बहुत सारे जेंडर इक्वालिटी की बातें जो हैं हम उसके थ्रू करेंगे, ताकि जो हमारा एक मकसद है वो मकसद को एक और नया मुकाम मिल सके। नमस्कार, मेरे सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सुखवीर सिंह पंजाब से रहने वाला हूँ। 2014 से मैं मैनेज फाउंडेशन के साथ हूँ। अभी इन्होंने प्रेजेंटली एक ऐप चालू किया है जिसका नाम है सेफ गाड़ी, जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ लिंक पे रह सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, इसमें आपको हर तरह की प्रोफाइल मिलेगी, आपको अबाउट इसमें सारी एक्टिविटी मिलेगी। प्रोफाइल में आप अपना नाम, गाड़ी नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। ये क्विज है जिसके थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से पॉइंट मिलेगा। तो इस ऐप के को मैंने डाउनलोड किया है, आपसे निवेदन आप लोग भी डाउनलोड करके हम सारे ड्राइवर एक साथ जुटे। मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान।